Hello everyone. So we are live. Let me set this camera like this. Okay. So we are live already and it is our 26th day for the session, which is for live 30-day session. Okay. अभी हमारे पास 5 मिनट है तो हम इतने अपना कैमरा थोड़ा सा अप करके सेट करने की कोशिश करते हैं. या इट्स गुड. हेलो गौतम. सो वी जस्ट वेट फॉर फ्यू फोक्स देन वी विल स्टार्ट. टुडे इज द सेशन विच इज गोइंग ऑन ऑलरेडी फ्रॉम लास्ट Monday. So it's Wednesday and we have to do the same exercise till Sunday, coming Sunday. Okay? तो हमारी total 7 exercises होती हैं plus हम करते हैं cardio जो कि होता है हमारा सिर्फ jumping jacks, 50 starting of the exercise and 50 last of the exercise. So basically हम लोग अभी forearms पे काम कर रहे हैं. ये हमारे जो फोर आर्म्स होते हैं इनके ऊपर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते. इवन मैंने ऐसे ऐसे लोगों से बातें सुनी है कि मुझे सिर्फ पेट कम करना है, मुझे सिर्फ हिप्स का फैट कम करना है, मुझे सिर्फ डबल चिन कम करनी है, बट नोबडी टॉक्स अबाउट फोर आर्म्स. व्हाट अबाउट देम? फिटनेस करनी है तो पूरी बॉडी का करना है ना. तो अभी हम फोर आर्म्स पे वर्कआउट कर रहे हैं सो दैट अगर हमें कुछ भी हैवी लिफ्ट करना पड़े हमारे हैंड्स हमें पावर दें, हैंड्स में हमें ऐसा ना लगे कि हम उठा नहीं सकते या फिर हम उठा के उसे चल नहीं सकते. तो हमें अपने फोर आर्म्स की एक्सरसाइज करनी है इस पूरे वीक. और ये एक्सरसाइजेस जो भी मैं करा रही हूँ ऐसा नहीं है ये वंस फॉर ऑल होगी कि भाई एक बार कर ली अब लाइफ में कभी उसको रिपीट नहीं करेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होगा. वी आर जस्ट फॉलोइंग द रूटीन कि हमने पहले क्या करा, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या करेंगे. फिर जब हमारा एंटायर बॉडी अब कवर हो जाएगा ना फिर हम दोबारा से कुछ नई एक्सरसाइज उसी सेम पार्ट के लिए लेकर आएंगे. इस तरीके से हम अपने रूटीन को फॉलो करेंगे सो दैट कि हमारी बॉडी बोर भी ना हो प्लस हमारी बॉडी फिट हो जाए. ठीक है, तो ये हमारा रूटीन है और बेसिक हमारा कुछ रूटीन नहीं है. एंड जो भी फॉलोअर्स मुझे देख रहे हो मैं आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी फिटनेस जर्नी में अपनी डाइट को इंक्लूड करना. ओके, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज की आप स्टार्टिंग की बात करते हो ना ये आप कल पे डाल सकते हो बट अपनी भूख आप कल पे नहीं डाल सकते. तो जो भूख को आपको कंट्रोल करने वाली हैबिट है ना वो आपको लेकर आनी है. एंड कंट्रोल इट मीन्स जो आपकी क्रेविंग्स हैं, जो आपकी जंक फूड की क्रेविंग्स हैं, जो आपकी स्वीट्स की क्रेविंग्स हैं, जो आपकी डीप फ्राइड चीज़ों की क्रेविंग्स हैं, उसको ख़त्म करके आपको उसका कोई हेल्दियर सब्स्टिट्यूट ढूंढ कर उसको अपनी डाइट का एक पार्ट बनाना होगा. तभी से आप अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू कर पाओगे. क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ. एक टाइम था मैं एक्सरसाइज कर लेती थी बट मैं डाइट नहीं करती थी तो डे एंड पे मुझे ना कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होता था. डे एंड पे मुझे बस ये लगता था यार इतना खा लिया क्या ही फ़ायदा हुआ उस एक्सरसाइज का. ये हमेशा माइंड में एक क्वेश्चन रहता था. तो इस क्वेश्चन को ख़त्म करने के लिए जब आप डाइट शुरू करते हो ना, जैसे ही आप डाइट शुरू करते हो अपने आप आपके माइंड में क्लिक होता है यार मैं हेल्दी खा रही हूँ तो मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ ना, तो चीज़ें अपने आप पैरेलल चलेंगी. इसलिए डाइट और एक्सरसाइज को इस तरीके के पोर्शन में रखिए. दिस इज एक्सरसाइज, दिस इज डाइट. सी, सो 80% ऑफ द डाइट एंड 20% ऑफ द एक्सरसाइज यही आपको फिट बनाएगा. ट्रस्ट मी गाइज, मैं कुछ मिथ यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, अपने ऊपर टेस्टेड है इसलिए मैं आप लोगों से ये बातें शेयर कर रही हूँ. आई होप आप लोग इस पर जेन्युइनली वर्क करोगे और आगे अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर जाओगे. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे ही टच में रहिए. आई एम ऑलवेज सेइंग कि YouTube देखिए, Google देखिए, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता है आप वहाँ से मोटिवेशन लीजिए और अपने ऊपर वर्कआउट करना शुरू कीजिए. फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी ख़त्म नहीं होती, फैमिली टैंट्रम्स कभी ख़त्म नहीं होते, लाइफ का स्ट्रेस कभी ख़त्म नहीं हो सकता टिल व्हेन यू आर अलाइव. ठीक है, बट
ये जो अपने ऊपर एक घंटा देने की बात हो रही है ना, और डाइट के लिए 24 घंटे देने की बात हो रही है, ये सिर्फ आपके लिए है। आप दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हो, लाइबिलिटीज ले सकते हो, बट अपने लिए वर्कआउट करना इज अ वेरी बिग टास्क जो आपको एक स्मॉल टास्क में कंट्रीब्यूट करवा कर अपने ऊपर काम करना है। दुनिया जहान को छोड़कर आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है एक घंटा डेली फिटनेस के लिए, जिसमें आप 30 मिनट्स का वर्कआउट कर सकते हो और 30 मिनट्स की आप वॉक कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप 30 मिनट्स की योगा कर सकते हो, 30 मिनट्स का कार्डियो कर सकते हो। कार्डियो में इंक्लूड आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी रहेगी, बिकॉज आपका 10 मिनट्स का कार्डियो इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो उसमें आप फिर मिक्स मैच करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और वॉक पे जाना इज नॉट अ बिग टास्क, आप कभी भी वॉक पे जा सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ऑन अ कॉल, आपके पास बैठने का टाइम है तो आपके पास खड़े होने का टाइम भी होगा, कॉल पे बात करते करते चलते 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 बात कर लो, क्या ही जा रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, इट्स ऑलमोस्ट 12:01, सो वी हैव ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ऑफ सेशन टुडे एज यूजुअल। सो वी विल स्टार्ट विद द जंपिंग जैक्स विच इज फॉर 50 इन वन गो, एंड देन लेटर ऑन आफ्टर फिनिशिंग द एक्सरसाइज 50 अनदर वन। ओके, so let's start with the jumping jacks in 1, 2, and 3 go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okay, I can't accept the request, I'm sorry. थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग राकेश। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है फिटनेस से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, एज दिस इज अ प्रोफेशनल चैनल, आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ चिट चैट्स एंड ऑल, इधर आई विल ब्लॉक यू और आई विल अनफॉलो यू, आई मीन आई विल रिमूव यू, बिकॉज आई डोंट लाइक एनी काइंड ऑफ चिट चैट्स एंड ऑल। इफ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर फिटनेस, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आई कैन आंसर यू। I hope this is not offensive for you. Let me start the session. Okay guys, so हम लोग अपने काम कर रहे हैं sitting वाली exercise first करेंगे हम। Okay, तो हम जो सबसे पहले exercise कर रहे हैं वो ग्रिप की करेंगे, बता देती हूँ मैं, ये है आपकी डंबल रिवर्स ग्रिप कॉन्सेंट्रेशनल कर्ल। सो बेसिकली आपको अपना हाथ इस तरीके से रखना है, ओके, एंड इसको पूरा डाउन लेके जाना है एंड इसको अप लेके आना है, ठीक है। ये हम 15x4 रेपिटेशन करेंगे फ्रॉम ईच ऑफ अवर हैंड्स, सो 15x4 एंड 15x4, ठीक है। Let's start the session. We don't waste the time. Okay? So here, यहाँ आपकी elbows यहाँ रहेंगी, आपको अपनी elbows ऐसे नहीं रखनी, because आपको ये अपना हाथ पूरा खोलना है, and अगर ये पूरा खोलने की बात हो रही है तो इस पर सपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको elbow को बिल्कुल यहाँ रखना है, legs को थोड़ा wider खोल लेना ताकि आपके दूसरा leg इस dumbbell में ना अड़े। Okay? This hand will be here.
start in 3 seconds. 1, 2, and 3. Go. Straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Next hand. Okay, no rest, just exercise. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, next, one repetition ho gayi hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, next hand. Like this. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, two repetitions done for both of the hands. Now the third repetition. Start in 3 seconds. 1, 2, and 3. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Next hand. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay guys, three repetitions done. Now the last repetition. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, next hand. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. Okay? So guys, we have completed one exercise, but यहाँ मैं कुछ एक add on करना चाहती हूँ आज. Let me bring my another dumbbell set. Okay, so it is our 4 kg dumbbell. So actually, ये and ये 2-2 kg के हैं and 1 kg की rod है. तो इसको मिला के ये total 5 kg जाता है. Hello जी. तो हम इसकी भी practice करेंगे साथ साथ. हम इसके 5-5 repetition, मतलब 5-5 rounds करेंगे सिर्फ. Repetition कुछ नहीं होगा. तो इसको भी हम करते हैं ताकि हमें weight उठाने की habit पड़े. ठीक है, इसी तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोगों को वेट की हैबिट डालनी होती है कि अपना वेट इंक्रीज कर करके. एज इट इज अवर थर्ड डे ऑलरेडी, सो हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इससे कर सकते हैं. सो सेम पोजीशन पे जाएंगे, स्टार्ट इन 3 seconds, 1, 2 and 3, गो. 1, 2, 3, 4, 5. Very nice. Next hand. Okay, start in 3 seconds. 1, 2 and 3. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Let's do the second exercise. So, अब हम wrist की exercise करेंगे. Bench वाली ही. तो हम bench का use ना करके अपने knees और अपनी thighs का use करेंगे like this. Okay? इस तरीके से हम अपना use करेंगे. सबसे पहले हम अपर साइड लेकर जाएंगे, देन लोअर दिस वे, एंड जब दूसरी हमारी एक्सरसाइज होगी वो हमारी इस तरह से होगी. ठीक है, अभी हम ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 15x4 रेपिटेशन पे. दिस इज द पोजीशन, बैक स्ट्रेट, लेग्स विल बी ऑन द 90 degree सेशन. दिस इज द लेग. ओके, आपके कंप्लीट हैंड्स यहाँ पर नहीं होंगे, आपके जो रिस्ट से ऊपर का एरिया थोड़ा सा बाहर होगा ताकि आप अपने रिस्ट को अच्छे से बेंड कर पाए. स्टार्ट करते हैं. ओके, इन 1, 2 and 3, गो. डाउन, कंप्लीट अप. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 ही तो करने हैं इन वन को. ओके, सो ये वाले 15 हो गए. अब हम इस वाले को भी साथ में करेंगे. हैंड्स विल बी लाइक दिस. ओके, ये भी 15 करेंगे क्योंकि हम साथ साथ करेंगे इसको. स्टार्ट इन 3 seconds. 1, 2 and 3, गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, take rest. So we have completed 1-1 repetition for 2 exercises, which is a wrist curl. So hum usko bench ki help se kar rahe hain. Start the second repetition. Hands will be like this. Your back will be straight. Your leg will be in the 90 degree. Okay. Let's start in 3 seconds. 1, 2 and 3. Go down. 1,
up, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके नाउ हमें रिवर्स करके करने हैं दिस वे. ओके बैक स्ट्रेट, लेग्स 90 डिग्री, हैंड स्ट्रेट, स्टार्ट इन 3 सेकेंड्स, 1, 2 एंड 3, गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nice. 2 repetitions for 2 exercises are done. 2 more left for 2 exercises. So it means we have completed 4 rounds. So we have more 4 rounds. Let's start in 3 seconds. Take your position. Straight your back. Leg will be on 90 degree. Wrist se upar hatke aapke haath bahar niklenge. Start in 3 seconds. 1, 2 and 3. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, now the third exercise, third round for the second exercise, like this. Elbows aapki is tarah se hongi. Back straight. Okay, let's start in 1, 2 and 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Very nice. We have completed total 6 rounds, 2 exercises. Now we have the last round for 2 exercises. Let's take rest for 5 seconds. 1, 2, 3, 4 and 5. Take your position, 90 degree, back straight like this. Okay, in 1, 2 and 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, now the next exercise, and this is the last round, then we will have the 3 exercises completed. Okay, take your hands like this, back straight. 90 degree angle for the leg. Start in 3 seconds. 1, 2 and 3. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Very nice. Just put your dumbbells down.
स्ट्रेच योर हैंड्स. मेरे को इट इस हैंड में बहुत ज्यादा फील हो रहा है. हियर ओके. सो वी हैव टोटल कंप्लीटेड 3 एक्सरसाइजेस. अब हम करेंगे रिस्ट रोटेशन. सो आज हम जो रिस्ट रोटेशन करेंगे वो 5 kg के डंबल से करेंगे. करके देखेंगे, अगर होगा तो हम इससे ही करेंगे, नहीं तो हम वापस से अपने लेस वेट पे आ जाएंगे. ओके, दिस विल बी योर पोजीशन. मुंह से थोड़ा सा हटा कर रखना, कभी मुंह पे ही मार लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. वेरी नाइस. थोड़ा हैवी लग रहा है बट वी कैन डू इट. हाय, आई कैन सी योर नेम फॉर नाउ बिकॉज अभी मैं थोड़ा दूर बैठी हूँ एंड आई डोंट हैव माई स्पेक्स राइट हियर. सो आई विल से यू हाय अगेन जब मैं कैमरा के पास आती हूँ. लेट मी कंप्लीट माई सेशन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लीव द हियर और यू कैन डी एम मी एज वेल. मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर कर दूंगी. ठीक है, क्वेश्चन के आंसर कर दूंगी. आई एम सॉरी. ओके, सो 1 repetition इज कंप्लीटेड फॉर द रिस्ट रोटेशन. 3 more. लेट्स स्टार्ट विद द सेम डंबल. ओके, दिस वे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. वेरी नाइस. सो वी हैव 2 more repetitions. देखा, हमने स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने वेट को इंक्रीज करा. इस तरीके से हम डेली कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, डेली अपनी बॉडी में एक नई एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, ओके. एक मैथ्स बताती हूँ, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताती हूँ आप लोगों को. ये जो कहते हैं ना, लूज वेट इन 6 months अप टू 10 kg, तो आपको ना ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 10 kg वेट लूज हो जाएगा हमारा 6 months. बट एक्चुअली में आप इसकी कैलकुलेशन करके देखो ना, तो 6 months में 10 kg इट मीन्स आपका 1.5 kg वेट, 1.5 या 2 kg वेट, हार्ट टू हार्ट 2 kg वरना 1.5 kg 1 महीने में. ठीक है, तो गाइज आप खुद देखो, वो झूठ नहीं बोलते, बस वो एक मैथ्स ऐसी लगाते हैं, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी लगाते हैं जिससे हम एज अ कस्टमर खिंच जाते हैं उस एड से, उस एडवर्टाइजमेंट से, उस इंस्टा की प्रोफाइल से, या जिस भी जहां भी हम वो चीज़ देख रहे हैं उससे. ठीक है, तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है या एक कैलकुलेशन होती है हमारे माइंड को पढ़ने के लिए. इसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी जो कि यहाँ पे चलती है. ठीक है, तो हम इसके चंगुल में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, बट इसके पीछे का मैथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत ईजी है कि आप हर महीने अपना 1 से 1.5 kg वेट घटाएं. ठीक है, बट वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको घटाने के लिए अपनी मेहनत करोगे. ठीक है, मेहनत में आप कुछ भी कर सकते हो, वॉक, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, और डाइट तो कंपलसरी है बॉस. 80% ऑफ डाइट अगर आप नहीं लोगे ना, मेरे पास मत आना कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा है. ठीक है, अगर आपको डाइट नहीं लेनी ना, आपको फालतू की चीजें खानी है बट वेट कम करना है, सॉरी मैं इधर इस चीज के लिए नहीं हूँ. क्योंकि मुझे पता है मैं किस तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल कर रही हूँ, मुझे पता है मैं डाइट ले रही हूँ, मुझे पता है कि वेट मेरा बढ़ जाता है अगर मैं डाइट नहीं लेती हूँ. तो मैं किसी और को कैसे बोल दूँ कि आप लोग डाइट मत लो बट आप एक्सरसाइज करो तो आप फिट रहोगे? पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, ये हो सकता है आप एक्टिव रहो,
एक्सरसाइज करके और डाइट ना करके, बट फिट रहना इट मीन्स आपके बल्जेस को खत्म करना, आपके फैट को खत्म करना, आपके टायर्स को खत्म करना, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू टेक 80:20 वाला फंडा. ठीक है, 80 डाइट 20 एक्सरसाइज. एंड एक्सरसाइज कैन बी एनीथिंग. मूवमेंट, हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है, तो हमारी बॉडी पे मूवमेंट जरूरी है. ठीक है, बातें हो गई हैं तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड रेपिटेशन फॉर दिस रिस्ट रोटेशन. ओके, मुंह से पीछे स्टार्ट इन 3 seconds. 1, 2 and 3 गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, let's start the last round. Take 3 seconds of rest. 1, 2 and 3 go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Very nice. Okay, let me check. Somebody has mentioned me something. मेरा 2 month में अभी 2 kg ही weight lose हुआ है. Yes, this is the truth. ये होगा. Actually में यही math है. Okay? और आप बहुत अच्छा जा रहे हो. अगर आप 2 kg मंथ में 2 months में लूज कर पा रहे हो तो आपकी मैथ्स, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी जा रही है. इसको मेंटेन रखिए स्लोली एंड ग्रेजुअली विद इन अ ईयर. अगर आप कैलकुलेट करें अप्रॉक्सीमेट 10 kg तक आप अपना वेट मैनेज कर सकते हो, प्लस फिर उसको आपको मेंटेन रखने के लिए भी कंट्रोलेबल डाइट्स खानी होंगी. ठीक है, अगर आप लाइफ टाइम अपनी जर्नी ऐसे ही रखना चाहते हो, बट आप किसी को शो करने के लिए पर्टिकुलर इतने टाइम तक के लिए पतला होना चाहते हो, दैट्स कंप्लीटली ऑन यू. ओके, हाय ममता. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड टोटल 4 exercises. नाउ वी हैव द 3 more exercises हमारी जो कि होंगी. सबसे पहले हम ग्रिप वाली एक्सरसाइज करेंगे. अभी हमने इस तरीके का ग्रिप करा था बैठ के, अब हम ये वाला ग्रिप करेंगे. ठीक है, सो हम इसको 5 kg के डंबल से ही करेंगे. अपने हैंड्स को आप इस तरीके से लेकर जाइए. ठीक है, लेग्स को चौड़ाइए, थोड़ा सा वाइड कीजिए एंड स्टार्ट करते हैं इन 1, 2 and 3 गो. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, 5 kg से मैं सिर्फ 5 rounds ही कर पा रही हूँ, तो मैं रेस्ट ले लेके करती हूँ, बट मैं करूंगी इसी से ही. ओके, स्टार्ट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, इस रेपिटेशन को हम इसी से कंप्लीट करेंगे. देन 3 more repetitions हम अपने 2 kg से करेंगे. स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन द हाईएस्ट वे. ओके, लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ द फर्स्ट रेपिटेशन. टेक द पोजीशन लाइक दिस. ओके, इन 1, 2 and 3 go. 1, 2, 3.
Nice. अभी जो मैंने किया यहां पर भी लोग आपको जज कर सकते हैं, बट वही है, आपको या तो लोगों की सुननी है या अपनी बॉडी की सुननी है। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि आप इसको इतना ही उठा सकते हो तो आप इतना ही उठाइए, उसमें कोई रिग्रेट फील करना नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर बॉडी, योर स्ट्रेंथ, योर इम्यूनिटी, ठीक है। तो फालतू के लोगों की बातों में ना जाकर, क्योंकि वो लोग फालतू ही होते हैं जो आपको फालतू की बकवास सुनाते हैं, जो आपको फालतू का टॉन्ट या फालतू की जजमेंट देते हैं, वो लोग आपके लिए गुड फॉर नथिंग होने चाहिए, ठीक है। चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, या कोई बहुत अच्छा रिश्तेदार या बहुत अच्छा दोस्त हो, चाहे कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो, चाहे कोई भी हो, फालतू के कमेंट्स किसी के भी अपने ऊपर डोमिनेंट मत होने देना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ओके। सो द सेकंड रेपिटेशन फॉर दिस ग्रिप रोटेशन, ग्रिप कर्ल, इन 1, 2, and 3, गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 repetitions done. Let's wait. Okay. Let's start the third repetition for the same round. Okay guys, let's start the third repetition, here and here, okay, in 1, 2, and 3, go. 1, 2, and 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, I have pain here and here. Okay, so we have the last repetition for this exercise, which is the dumbbell reverse grip curl. Let's start the third one. In 1, 2, and 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Very nice. So we have two more exercises, then we will end this session. इस सेशन के बाद मैं आपको बता देती हूँ, अराउंड 2 p.m.
एग्जैक्ट 2 PM मैं एक चिट चैट सेशन रखने वाली हूँ, जिसमें अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगी, और वो आराम से हम 20 मिनट्स का सेशन रख सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ चिट चैट करेंगे। आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो मैं उनके आंसर करने की आपको कोशिश करूँगी, ठीक है। सो हम करते हैं स्टार्ट अपनी सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज। सेकेंड लास्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज हम साथ में करेंगे। सो सेकेंड एंड लास्ट हमारी जो एक्सरसाइजेज रह गई है वो है हमारी रिस्ट रिवर्स कर्ल बैक एंड फ्रंट। तो हमने जिस तरीके से किया था, सबसे पहले हमारी बैक जाएगी इस तरीके से। अब अगर हम अपने हाथ को ऊपर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पीछे, तो हम जब आगे लाएंगे इस तरीके से, तो हम अपने हाथ को इस तरीके से लेकर जाएंगे, ठीक है। अभी हम अपने हाथ इस तरीके से लेकर जा रहे हैं, ये, फिर हम अपने हाथ इस तरीके से लेकर जाएंगे, ठीक है। तो हमारी 2 एक्सरसाइज एक साथ हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। हाथ आपके टच नहीं होने चाहिए, बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी लाइक दिस। हाथ मेरे बिल्कुल भी मेरी बॉडी से टच नहीं है, मतलब ये नहीं है, ठीक है, मैं सपोर्ट नहीं ले रही हूँ, तो आपको भी सपोर्ट नहीं लेना है। इस तरीके से होगा, बैक स्ट्रेट इन 1, 2 एंड 3 गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब हम आगे रहेंगे, आगे भी हमें ऐसे ही हाथ रखे ऊपर लेके जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओके। नाउ नेक्स्ट रेपिटेशन है हमारी बहुत एक्सरसाइजेस उसकी। हमारे पास टोटल 6 राउंड्स बचे हैं, 2 राउंड्स हमने कंप्लीट कर दिए फॉर 2 एक्सरसाइजेस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आगे जाएंगे लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओके। तो हमारी 2 रेपिटेशंस हो गई हैं। अब हमारी 2 more है, तो हमारे 4 राउंड्स बाकी हैं फॉर 2 एक्सरसाइजेस। लेट्स डू इट। बैक लेके जाएंगे, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Now next, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, we have the last repetition left. Let's take rest and we will start the session. Meanwhile, let me wave to everyone.
let's do the last repetition. Back straight. In 1, 2, and 3. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay? Let's do from hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, guys, let's do the cardio. 50 rounds for the jumping jacks. Start in 3 seconds. Take your position. In 1, 2, and 3. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 40, 46, 48, 49, 50. Good job. Okay, guys. So the session for today has completed. Now, I'm sorry. 2 बजे एक चिट चैट सेशन रखते हैं. अभी स्टोरी डाल देती हूँ. जिसको भी चिट चैट करनी हो, वेलकम है. एंड रोज का रिहाइड्रेशन मैं आपको करा रही हूँ. नो कॉस्ट, नथिंग मनी, नो मनी, कुछ नहीं. सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी. मुझसे बात कीजिए और अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कीजिए. कोई पैसा नहीं लगेगा, 0 पैनी. ओके, थैंक यू. हैव अ गुड डे. बाय बाय.